ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। डॉक्टर मनोज राजवरिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जब वो मेरे संसदीय क्षेत्र करौली के हिंडौन में आए थे और देश में जल संचयन को और जल के महत्व को और सदुपयोग को समझते हुए और राजस्थान की समस्या को विशेष तौर से उन्होंने समझा और पेयजल और सिंचाई के लिए उन्होंने वहाँ एक वादा किया था कि अगली बार हमारी सरकार बनते ही हम इसके ऊपर महत्वपूर्ण कार्य करेंगे और एक मंत्रालय बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं सदन के माध्यम से उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जल के महत्व को समझते हुए जल शक्ति मंत्रालय बनाया और उसका कैबिनेट मिनिस्टर भी राजस्थान से ही बनाया, जो कि राजस्थान और गुजरात जैसा उन्होंने कहा कि पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। महोदय, पूर्वी राजस्थान को पेयजल और सिंचाई के लिए हमारी पूर्व भाजपा की सरकार ने 17-18 के अंदर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से एक महत्वपूर्ण योजना बनाई थी, जिसमें नदियों से नदियों को जोड़कर, बांधों से बांधों को जोड़कर पेयजल और सिंचाई के लिए व्यवस्था की गई थी। महोदय, वो योजना पूर्व सरकार के हमारी सरकार के द्वारा केंद्र के पास पड़ी हुई है। लगभग 38,000 करोड़ रुपए का उसका बजट था। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय करौली धौलपुर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की इस महत्वपूर्ण परियोजना को राज्य सरकार के साथ मिलकर जल्द से जल्द पूरा किया जाए और काम शुरू किया जाए। आगीरा चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पहले दफा शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर लोकसभा क्षेत्र में पेयजल की एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। एकमात्र बिसलपुर बांध है और आप तो खुद ही भलीभांति परिचित हो कि यदि बिसलपुर बांध नहीं होता तो शहर और गांव सभी खाली हो जाते। पीने के पानी की एक बहुत ज्वलंत समस्या है और बिसलपुर बांध में गत वर्ष वर्षा कम होने की वजह से वो बिल्कुल सूखने के कगार पे है। आज ये हालात है, शहर में 4-5 दिन से पानी आ रहा है और गांव में 8 से 10 दिन में पीने का पानी आ रहा है। मेरा इसलिए मंत्री महोदय जी से निवेदन है, मैं हमारे देश के राष्ट्र पुरुष और सिद्ध पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जल के संकट को समझा और पहले दफे देश की आजादी के बाद पहले दफे जल शक्ति मंत्रालय का उन्होंने गठन किया। और अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि वो मंत्रालय भी हमारे राजस्थान के मंत्री जी को दिया है। सबसे बड़ी विकट समस्या राजस्थान में है। मैं 2 मिनट चाहूंगा, मेरा ये निवेदन है कि आज ये हालत है, गांव में 8-10 दिन से पानी आ रहा है, शहरों में 4-5 दिन से पानी आ रहा है। आप यहाँ केंद्र सरकार ने 14 से 19 में 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। आप जहाँ से आते हो चंबल नदी को ब्राह्मणी नदी में डालकर लिफ्ट के द्वारा बिसलपुर बांध में लाना और उससे पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र में पीने पानी के लिए व्यवस्था करी थी। DPR भी हमारी पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने कर दी थी। दुर्भाग्य से जो वर्तमान प्रदेश की सरकार राजस्थान की, उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज बहुत विकट समस्या है, नीचे फ्लोराइड पानी है। मेरा एक निवेदन है, मैं अपने क्षेत्र में एक ही बात कहा था, जो अटल जी का सपना अधूरा था जो नदियों को जोड़ने का, हमारे सिद्ध पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी उसको पूरा करेंगे। नदियां जुट जाएगी, हर खेत को पानी मिल जाएगा, हर आज को काम मिल जाएगा, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, किसान के घर में समृद्धि आ जाएगी और राजस्थान में खुशहाली आ जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है। कुमार पुष्कर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर आपका संरक्षण चाहता हूं कि मैं एक गंभीर विषय को इस सदन में रखना चाहता हूं कि पिछले हम देश भर में हिंदुस्तान धर्म संस्कृति संस्कार के आधार पर पूरी दुनिया में पहचान है और पिछले कुछ समय से धर्म संस्कृति हमारे महापुरुषों के ऊपर, राष्ट्रीय विचारों के ऊपर बहुत योजनाबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं
मुझे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को एक राष्ट्रवादी फोबिया हो गया है। मैं आपसे आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के विवेक को एक इस प्रकार से एक वंशवाद का विषाणु समाप्त करते जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि राजस्थान में हमारे इतिहास को हमारी आने वाले राउत जी अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से एक गंभीर मुद्दा इस सदन में उठाना चाह रहा हूं। यह गंभीर मुद्दा मेरे संसदीय क्षेत्र का नहीं लेकिन पूरे देश से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सितंबर अक्टूबर 18 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस सदन के सदस्य है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गंगानगर में सूरतगढ़ में गए और राजस्थान में कर्जा माफी की उन्होंने घोषणा की थी। अभी पिछले 23 तारीख को मेरे संसदीय क्षेत्र श्री गंगानगर का एक गांव है ठाकरी, उसमें किसान सोहनलाल ने आत्महत्या की है और उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, सुसाइड नोट छोड़ा है, इसमें लिखा है कि कर्जा माफी की वजह से मैं मौत में जा रहा हूं, मैं सुसाइड कर रहा हूं और जब तक कार्रवाई नहीं हो जब तक मेरी बॉडी को उठाया नहीं जाए। और सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मेरे मरने का कारण राजस्थान की सरकार और उसके मुखिया है। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा इस मामले को गंभीरता से मिमी चक्रवर्ती सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और राजस्थान सरकार को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्षेत्रीय नगर जिला झुंझुनू राजस्थान के SF कंपनी नागपुर द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करवाने के विषय में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्षेत्रीय नगर जिला झुंझुनू राजस्थान के भारत सरकार का उपक्रम चलता है। पुरानी सरकारों की अनदेखी व अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी के कारण विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप का मुख्य प्लांट है जो कि वर्तमान में खराब स्थिति में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने SMS कंपनी को नागपुर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जो कि स्वयं का काम न करके सब कॉन्ट्रैक्टर को लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ है जो नियम विरुद्ध है। प्लास्टर कार्मिक के SMS कंपनी नागपुर द्वारा 6500 रुपये में कार्मिक दे तय किया हुआ है जबकि सब कॉन्ट्रैक्टर उसी कार्मिक को 22000 रुपये देता है। सब कार्मिकों को प्रताड़ित किया जाता है। भ्रष्टाचार को देखते हुए सब कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जाए, भ्रष्टाचार की जाँच करवाई जाए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी नगर जिला झुंझुनू राजस्थान की नई टेक्नोलॉजी का नया मिली प्लांट लगाया जाए, गैस के प्लांट पुनः चालू करवाया जाए, बंद पड़ी मशीनों के यूनिटों का आधुनिकीकरण करवाकर पुनः चालू करवाया जाए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।